जिले भर में कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया गया है। सोमवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और जिले के कोरोना प्रभारी डॉक्टर प्रभु राम चौधरी विदिशा पहुंचकर टीकाकरण केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे। उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह जादौन, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, विधायक शशांक भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश भर में एक दिन में 10 लाख टीके लगाए जाने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश को 19 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराए हैं, जो अलग अलग स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाए जाएंगे। टीके लगाकर ही महामारी से बचने का प्रयास किया जाएगा। टीकाकरण के दौरान कुछ अवस्था भी देखी गई। कुछ नागरिकों ने टीकाकरण के दौरान इस पर सवाल खड़े किए। आज कोविड टीकाकरण महाभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने 18 प्लस के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन जो उपलब्ध कराने का फ्री अवकाश किया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के 52 जिलों में लगभग 7000 सेंटरों पर आज उत्सवी माहौल में आज वैक्सीनेशन का शुभारम्भ किया गया है। और वहाँ प्रेरक के रूप में प्रतिष्ठित नागरिक हमारे या जनप्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्री, आदरणीय हमारे मंत्रीगण साथी, विधायकगण और सामाजिक कार्यकर्ता या हमारे धर्मगुरु या खेल प्रेमी जो भी हैं वहाँ हर केंद्र पर पहुँचकर प्रेरणा दे रहे हैं लोगों के लिए कि वो वैक्सीन को लगवाएं। और मैं भी आप लोगों के माध्यम से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस पात्र जो हैं वो सब टीकाकरण केंद्र पर जाकर वैक्सीन को लगवाएं। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, मैंने भी लगवा ली, मेरे परिवार ने लगवा ली, सारे लोग इसमें। और आज जिस तरीके से हम लोगों ने आज मध्य प्रदेश में 10 लाख का जो टारगेट रखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो जिस तरीके से माहौल आज प्रदेश के अंदर है उससे भी ज़्यादा क्रॉस। आज विदिशा में कितना लक्ष्य पूरा कर लिया गया है? विदिशा का अभी चल रहा है, 6000 करीब अभी तक डोज लग चुके हैं और लगातार लोग केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं कई जगहों पर लाइन भी लगी हुई है और लोग टीका लगवा रहे हैं। 30 जून तक कितना लक्ष्य रखा गया है विदिशा के लिए? अभी आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश में 10 लाख का रखा गया है और अभी आज हमारे पास 19 लाख के डोज उपलब्ध थे और भारत सरकार से हम लोगों को केंद्र से वैक्सीन उपलब्ध करा जाएगी और ये अभियान 30 तारीख तक चलता रहेगा। क्या लगता है कांग्रेस के प्रतिनिधि भी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, जो कल तक कहते थे ये मोदी की वैक्सीन, कितना सुखद है सरकार की? अच्छा है, अगर आज वो लोग दे रहा है दुरुस्त है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, जनता के सहयोग के लिए अच्छा है, स्वागत है उसका। वैक्सीनेशन कराने आया हूँ। क्या दिक्कत है? देख रहे हैं क्या यहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं? मैं दो जो लाइन में खड़े हैं, दो एक घंटे से धूप में खड़े हैं और यहाँ लोग लाइन क्रॉस करके जा रहे हैं। दो लोग अभी निकले हैं लाइन क्रॉस करके। अंदर मंत्री जी हैं? हाँ, अंदर मंत्री जी गए हैं, अभी गए। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी अभी अंदर गए, वो वैक्सीनेशन का काम देख रहा है कैसा चल रहा है। हर कोई व्यवस्था है कि नहीं लाइन? नहीं नहीं, लाइन की व्यवस्था तो है, गोले लगे हैं, अच्छा काम चल रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो निकल जाते हैं। तो अभी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? नहीं नहीं, धूप का सामना तो करना पड़ रहा है, धूप में तो खड़े हैं। हाँ, धूप में तो खड़े हैं, लेकिन व्यवस्था ठीक है, अच्छा है। थोड़ी बहुत परेशानियाँ तो आती है। विदिशा से सोनू नामदेव की ये रिपोर्ट।